आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। नवादा जिले के सिरदला प्रखंड के सिरदला पंचायत से मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि अरुण पांडे ने बताया कि हमारी धर्मपत्नी श्रीमती रोशन कुमारी सिरदला पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी के रूप में जनता की अदालत में है। सिरदला पंचायत के तमाम सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों से अपील करते हैं कि उन्हें अपना समर्थन देकर पंचायत के मुखिया चुने, क्योंकि एक लंबे समय से सिरदला पंचायत में कई लोगों ने मुखिया जैसे गरिमामय पद पर सेवा देने का काम किया है, लेकिन आज भी पंचायत में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अतिशीघ्र होना चाहिए लेकिन नहीं हो सके। कहा कि हमारी धर्मपत्नी रोशन कुमारी सिरदला पंचायत से मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रही है, आपके स्नेह प्यार आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि हम सब मिलजुल कर एक बेहतर पंचायत बनाने का काम करें और पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सके। सबसे पहले जो भी हमारे क्षेत्र या पंचायत में समस्या है उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे। हमारे पंचायत का सबसे बड़ा समस्या रोड का समस्या है, नली का समस्या है, स्ट्रीट लाइट का समस्या है। जो भी समस्या हमारे पंचायत में है और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो हम अपने पंचायत में उतारने का धरातल पर पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। अभी जब जनता के बीच आप जाते हैं तो अधिकतर किस तरह का मामला आपके सामने आता है? बहुत सारी मामलाएं आती हैं सर, जैसे कि रोड की समस्या हो गया, नली का समस्या हो गया, इसी जो समस्या हमको सुनने को लिए मिलता है जनता लोगों से, उसी समस्या का हम आपसे मीडिया के मामले से दूर करा रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए? जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं सर कि हम युवा हैं, आपका क्षेत्र का विकास करेंगे, जो भी आपसी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के हर एक जगह पर खड़े रहेंगे। निश्चित तौर पर एक नौजवान है और इनकी धर्मपत्नी यहां से पंचायत में मुखिया के पद पर चुनाव लड़ रही हैं और सिरदला पंचायत के सभी सम्मानित जनता जनार्दन और नौजवान साथियों से इनका अपील है कि एक बार मुझे भी सेवा का मौका दें, निश्चित तौर पर पंचायत का बेहतर विकास। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।